खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोवारी समाज के शहादत के 27 वर्षों की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नागपुर के आदिवासी गोवारी समाज की, जो कि 27 वर्ष पहले यानी कि 23 नवंबर 1994 को 114 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। मुद्दा था शीत सत्र के दौरान एक मोर्चा आया था करीब करीब 50,000 लोगों का। समाज के लोगों की मांग थी कि समाज को सरकारी नौकरियां मिले, शिक्षा में आरक्षण मिले, अनुसूचित जनजाति में समाविष्ट किया जाए। लोग अड़ गए थे, समाज के लोग उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार से मिलना चाहते थे, जो कि कुछ कारणवश शरद पवार जी मिलने पहुंचे नहीं, लेकिन कोई भी नेता भी नहीं मिलने पहुंचा, जिससे आक्रोश बढ़ गया और वहां पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में काफ़ी लोग घायल हो गए और इसी में 114 लोग, जिसमें बच्चे बूढ़े और जवान थे, उनकी जान चली गई। 27 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। क्या था ये मुद्दा और अब तक क्यों इस पर कुछ नहीं हो पाया है, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए गोवारी समाज के अध्यक्ष और नेता कैलाश राव जी आज हमारे साथ हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिटीशन दायर की थी और आप पहले थे जिसने इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि 27 वर्ष हो चुके हैं इस मुद्दे को और आज भी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, ये मुद्दा आखिर था क्या? उस समय से अगर शुरुआत करें, उस दिन की, तो क्या था ये मुद्दा? ये मुद्दा ऐसा है मैडम जी कि 24 अप्रैल 1985 में एक महाराष्ट्र शासन ने ऐसा जीआर निकाला था कि जो लोग, जो समाज यानी अपना साम्य धर्म रखता है, यानी जाति में समानता रखता है, वो बोगस आदिवासी, गैर आदिवासी, आदिवासियों की सवलत लेते हैं। इसलिए वो 24 अप्रैल 1985 का जीआर निकला जी, जी। और जीआर निकलने के बाद हमको पता नहीं था कि हम बोगस है कि ओरिजिनल है जी। तब तक तो हमको आदिवासी की, अनुसूचित जनजाति की सवलतियाँ मिलती थी। जब मैं 1989 में 12वीं कक्षा में था, मेरा 12वीं साइंस था जी। और 12वीं साइंस में जनरली इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना है तो वैलिडिटी यानी जात वैधता प्रमाण पत्र जरूरी रहता। इसके वजह से उस टाइम मैंने अपनी वैलिडिटी की सब डॉक्यूमेंट्स नागपुर का स्क्रूटनी के तरफ दे दी और उस टाइम ऐसा हुआ कि वो कास्ट मेरी इनवैलिड होके आई। तब हमको मालूम हुआ कि हम अब नाम सादृश्य के फायदा लेने वाले गोवारी है और हम ही गोंडगोवारी थे, लेकिन सरकार ने वो बहुत बड़ी चाल की। अब वैसा देखा जाए तो 24 अप्रैल 85 का जीआर है जी। वो बहुत से ऐसे आदिवासी है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ जी। और उस टाइम मैंने, हमने, हमारा संगठन था जी। उस संगठन के तब के अध्यक्ष थे माननीय स्वर्गीय सुधाकर राव जी गजबे जी। और हम मिलके हमने एक पिटीशन दायर की जी। और 1992 में नागपुर बार एसोसिएशन हाईकोर्ट का बहुत बड़ा एक यानी बहिष्कार हुआ, यानी कोर्ट के कामकाज पे जी। उसी दौरान हमारी केस लग गई और हमारी केस वकील कोई खड़ा नहीं होने के वजह से वो डिसमिस हो गई। तब हमको पता चला कि हम गैर आदिवासी की लिस्ट में आ गए, इसलिए हमने ऐसा किया कि अभी कोर्ट से हमको न्याय नहीं मिला तो हम राजनीतिक तरीके से न्याय मांगेंगे। और उसी टाइम हम पूरे विदर्भ के सब गांव-गांव में जाके लोगों को बता के यानी जनजागृति की है। और जनजागृति में हमने ऐसा ठहराया कि 23 नवंबर 1994 को नागपुर के शीत अधिवेशन में हम मोर्चा निकालेंगे। अच्छा। और लोगों को मालूम हुआ कि अभी मोर्चा निकालने से अपने को न्याय मिलेगा और उसके वजह से गांव-गांव के बच्चे, कोई अपने ज्वार की रोटी बांध के, चटनी भाकर बांध के, ये सब 23 नवंबर 1994 को यशवंत स्टेडियम पे जमा हो गए। और उसी टाइम यानी विदर्भ के भंडारा हो गया, अमरावती हो गया, सब गौर गरीब से लेकर सब गाय चराने वाले सब हम, हमारे
नेता थे उस टाइम के, स्वर्गीय सुधाकर राव गजपे, उनके नेतृत्व में हमने मोर्चा निकाला और मोर्चा वो अपने नागपुर के टी पॉइंट वहाँ पे जमा हुआ। वहाँ पे हमारा मोर्चा को, यानी उनको रोका गया मोर्चा पुलिस वालों ने। और मोर्चा रोकने के बाद हमारे नेतागण और मैं उस टाइम एमए का स्टूडेंट था, एमए में 94 को जी। और उस टाइम क्या हुआ कि हमारे लोगों की मांग थी कि हर मोर्चे को महाराष्ट्र नागपुर शीत सत्र में जो जो मोर्चे निकाले थे उस मोर्चे को हमारे पहले हर संबंधित मिनिस्टर आता था मुलाकात देने के लिए। सीएम आते थे उस टाइम के, सीएम शरद पवार थे जी। सब आते थे। हमको लगा कि हमारे मोर्चे में भी कोई मिनिस्टर आएगा या सीएम आएगा करके हमने 5 बजे तक राह देखी। 5 बजे के बाद भी कोई ही नहीं आए। वहाँ से पुलिस वाले ने मैसेज भेजा विधान सभा जो नागपुर में विधानमंडल है, विधानमंडल में तो भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया और पुलिस का बंदोबस्त बढ़ती गया। और उस टाइम का ऐतिहासिक मोर्चा था हमारा कि हमारे मोर्चे में 50,000 के ऊपर लोग थे। नागपुर पूरा जाम हो गया था बर्डी से वैरायटी टाकिस से तो अपना अभी मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक पूरा यानी पब्लिक से भरा हुआ था। गांव खेड़े की लेडीज जेंट्स बच्चे स्टूडेंट ये सब अपने गांव गांव से अपनी खाने की रोटियां बांध के वहाँ पे आए थे। और उस टाइम जब 5 बजे तो हमको लगा कि अभी बुलाएंगे, तब एक नौता आया कि तुम्हारे 5 जन हमारे यहाँ पे भेज दो डेपुटेशन। लेकिन हमारे लोगों का कहना वहाँ तक चालू ही था, भाषण मंच चलते कि कोई आया नहीं जी। तो उनको बुलाओ वहाँ पे, ऐसा कर करके हमारा टाइम 5:30-5:15 के बीच में जी। हम वहाँ तक रुके रहे। हमारा जो मोर्चे के नेतृत्व कर रहे थे सुधाकर गजबे और कोई मान्यवर विदर्भ के 4-5 लोग का डेपुटेशन बाद में पुलिस लोगों ने लेके गए विधान भवन में जी। लेकिन उसी टाइम पूरे मोर्चे को, मैं युवा नेता था उस टाइम, मैं मोर्चे को संभाल रहा था और संभालते संभालते मेरा भाषण चालू था। कोई लोग एक एक जन भाषण लोगों को पब्लिक को रोकने के लिए हम भाषणबाजी अपना इतिहास बताते रहे जी। लेकिन उसी टाइम मेरा जब भाषण चालू था उसी टाइम विधान भवन के तरफ से एक पीली बत्ती की लाल बत्ती की गाड़ी आई। लोगों को लगा हमारे सब गांव खेड़े के लोग है, जंगल में रहने वाले लोग है कि सीएम आ रहा है या मिनिस्टर आ गया, लोग खड़े होके देख रहे हैं अरे गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई ऐसा। तो पुलिस वालों को ऐसा लगा कि गाड़ी ये मोर्चा वाले अपने बैरिकेड्स तोड़ के अच्छा विधान भवन में घुसेंगे करके उन्होंने धक्का मुक्की की है, इन्हें लाठीचार्ज जैसे खड़े हो गए। बहुत ही गर्दी थी उस टाइम की और खड़े हो गए और इधर से लोग खड़े हो गए तो उनको लगा कि कोई ये टक्कर हो जाती, इसके वजह से उन्होंने लाठी चार्ज करना चालू किया। और लाठी चार्ज चालू करने के टाइम वो भगदड़ मच गई और उनको शासन का आदेश था क्या था मुझे तो पता नहीं उस टाइम में लेकिन ऐसा सामने के जो लोग थे हम भी थे, मेरे को भी 1-2 लाठी पड़ी थी और लाठी चार्ज हुआ। उसी टाइम एक सैयद करके एसआरपी का एक ऑफिसर था, डीसीपी बोले तो एक अच्छे लेवल का उस एसआरपी के टीम को वो ये कर रहा था। वहाँ पे एक गोली ऐसी बंदूक से निकली और वो जिंदा तार था इलेक्ट्रिक का करंट उसको लग गई, वहाँ का करंट भी वो जिंदा ताल वायर नीचे गिरा और इधर यानी लाठी चार्ज ये सब होने के बाद इतनी भगदड़ मच गई। मैं तो वहाँ पे बच गया, एक इलेक्ट्रिक का पोल था वहाँ पे ऐसा पकड़ के और वहाँ पे कम से कम 114 लोग तो गैस गए लेकिन हजारों की तादाद में जख्मी लोग थे। और सरकार ने ताबड़तोब वहाँ की ब्लड की धुलाई की और तुम्हारा सब क्लीन करके 1 घंटे में दबा दिया। और ये ऐसा हत्याकांड ये जालियान वाला बाग से भी बेहतर था कि एक समाज अपने न्याय मांगने के लिए आ रहा और शासन उसके ऊपर लाठी चार्ज करता है जी।
और वो बात मेरे को याद आती है, अभी भी आँख को पानी आती है कि अब मैं जिंदा बचा। और मैं जिंदा बचने के बाद मेरे गांव में ऐसी खबर फैल गई कि आपका लड़का भी वो मोर्चे में मर गया जी। तो मेरी माँ को मानसिक आजार हो गया था, उसको पागल जैसी करती थी, यानी ऐसा हड़कंप मचा वो, यानी हम उस टाइम का ये याद निकालेंगे जी। तो ऐसा लगता है कि ये शासन है कि क्या है जी। इसलिए जी। मैं कहना चाहता हूँ मैडम कि 1947 को अपने को भारत को स्वतंत्रता मिली, ये स्वतंत्र का अमृत महोत्सव इस साल में है, तो ये स्वतंत्र भारत में ऐसे जातियाँ है ये शासन ने ये हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय हुआ आज तक वो अन्याय को दूर करना चाहिए जी। सर कहीं ना कहीं कैलाश जी उस समय पे 23 नवंबर 1994 की जो बात है ये तारीख कभी भूलने वाली तारीख नहीं है। आप चश्मदीद गवाह थे, आप वहाँ से बच के आए हैं और कहते हैं कि इस भगदड़ में जैसे आपने कहा कि एक पुलिस वाले ने गोली चलाई थी, ये जो चर्चा है क्या ये सही है, ऐसा हुआ था? ये सही है मैडम भाई, आपने आंखों से देखा, बहुत से लोग उस टाइम के मेरे साथ अभी भी है मेरे संगठन में, वो भी सब देखती, लेकिन क्या है आजकल सत्ता की चलती है, जो न्याय मांगता है सही रहने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता, और वो भगदड़ में इतनी यानी परेशान यानी जालियांवाला बाग से भी बढ़कर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ और उसी का परिणाम शासन को भुगतना पड़ा, और बाद में शासन में उस टाइम का अपोजिशन था बीजेपी और सेना युति शासन करके आया, उन्होंने भी हमको 2% आरक्षण 15 जून 1995 को 2% का आरक्षण दिया, उनको भी ऐसा नहीं लगा कि ये आदिवासी उनको अपना न्याय देना चाहिए, 114 जो समाज के लिए शहीद हुए उनको न्याय देना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी 2% दिया और 2% में 39 कास्ट है और वो भी अन्यायग्रस्त जमात है उनको भी साथ में लिया, और 2% देने के बाद हमारा कहना है शासन से कि 2% हमको 15 जून 1995 को दे रहे और बाद में 16 जून 2011 को तुम हमको ओबीसी में डालते, तो मेरा शासन से ये सवाल है कि 1995 के पहले हम कहाँ थे, भारत के बाहर थे क्या, बिल्कुल ये स्वतंत्र भारत के बाहर थे क्या, ऐसा भी मेरा सवाल है शासन को जी। और ये सवाल उसके पहले मैंने 1-2 बार मिनिस्टर से भी पूछा तो भी उन्होंने कुछ मेरा उत्तर नहीं दिया, और आज भी जो बोली भाषा है हमारी गांव खेड़े में गोंडगुआरी, लेकिन आज भी सर्वे करना है गवर्नमेंट ने कि गोंडगुआरी करके कोई जात नहीं दिखती, गोंड समाज अलग है, गुआरी समाज अलग है, गोंड जमात अलग है, ये एक प्रकार की बोली भाषा है, एक बोली भाषा है जी। वो भगदड़ में आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही सामने आई, क्योंकि शांतिपूर्वक मोर्चा आया था, इतने हजारों में लोग थे, करीब करीब 50,000 जो कि सबसे बड़ा मोर्चा हमने सुना, और इसमें भगदड़ मचती है और एकदम से सारा अथल पथल हो जाता है और इतने सारे लोगों का जो जान को जोखिम हो जाता है, किसकी लापरवाही सामने आई, क्या ये सामने आया कि इनकी लापरवाही थी या फिर समाज पर ये चीज़ थोपी गई? लापरवाही तो शासन की थी जी। शासन को मालूम था हमारा मोर्चा जब यशवंत स्टेडियम से अपने विधान भवन की तरफ जा रहा था तभी शासन को पुलिस वालों ने खबर किया था, संबंधित मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को, इतना बड़ा मोर्चा है, इतना बड़ा मोर्चा है, तो शासन ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। अच्छा। उस टाइम शरद पवार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ध्यान देना चाहिए था कि इतना बड़ा मोर्चा को संभालना है, कोई तो भी एक आधे मिनिस्टर को वहाँ पे भेजना था, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ उस टाइम शरद पवार सरकार के ही लापरवाही से हमारे 114 लोगों की जान गई, शहीद हो गई। उस घटना के बाद, क्योंकि कहते हैं कि जब भी कोई मोर्चा आता है शीत सत्र के दौरान तो मंत्री आते हैं, बात करते हैं, अगर मुख्यमंत्री ना भी आ पाए तो कोई ना कोई उनकी तरफ से मंत्री आता है और सारी डिटेल्स लेता है। उस समय कोई मंत्री नहीं आया जैसा आपने बताया, और मुख्यमंत्री भी नहीं आया जो कि हर मोर्चे को आके खुद देखते थे और खुद उनकी समस्या जानते थे। उस समय कोई मंत्री नहीं आया, क्या उस घटना के बाद भी किसी मंत्री ने आपसे या समाज से ये करने की कोशिश नहीं की? घटना के बाद मेडिकल में जो भर्ती थे जी, कोई अपने वो मर्चुरी में भर्ती थे यानी मृतदेह, तो वहाँ पे बहुत से लोग आए थे, उस टाइम सुलेखा कुमार मैडम थी,
वो आए सबसे पहले, और जो जो मिनिस्टर थे बाद में आए वो ये नागपुर के, और अपोजिशन के लोग गडकरी साहब उस टाइम यानी पदाधिकारी थे वो आए, नागपुर के महापौर जोग साहब थे जोग करके मुझे याद है, और तुम्हारे गुरुदेव पाटिल थे उस टाइम आमदार, वो भी आए थे, बनवारलाल पुरोहित आए थे, सब आए वहाँ पे, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और इतना नहीं, ये नहीं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो शहीद हुए वो परिवार को मुलाकात के लिए आए, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्या वजह है सरकार को ये सच्चाई के लिए क्यों डरते, ये मेरा सरकार से सवाल है जी। गुवारी समाज का इतिहास क्या है कैलाश जी, कहाँ से आया है ये समाज और उनका जो व्यवसाय है वो क्या है? गुवारी समाज का इतिहास ऐसा है, ये पूर्व विदर्भ का से आता है जी। जो नागपुर एरिया उस टाइम का गोंडवन था जी। गोंड राजा के अधिपत्य जो नागपुर एरिया में था, यहाँ से चंद्रपुर गढ़चिरौली वहाँ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव तुम्हारा बिलासपुर नर्मदा घाटी वैनगंगा घाटी, ये जो गोंडवन है, गोंडवन में गोंड समाज का जो राज्य था जी। तो वो राजा की गैया चराना गुवारी का काम था। अच्छा। और उनकी गैया चराते चराते जंगलों में रहना, उनके साथ उनकी बोली भाषा सब, ये वैसी उत्पत्ति है हमारी जी, जी। और वो साथ में रहना है रहते थे गुवारी और गोंड जी। जो मजदूर वर्ग राजा के साथ तो गुवारी नहीं रहे, लेकिन उनकी गैया बकरी चराना ये चराना वैसा हमारा एक पेशा था गया चराना, आज भी गया चराती है। बाद में गोंड का राज्य खालसा हो गया, मराठा का आ गया, मराठे के जो माल गुजार है उनके गया चराने लगे हम, और कोई कोई लोग अपना मजूरी करते हैं, खेती बाड़ी में नौकर चाकर रहते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि कोई मजदूरी नहीं मिली कोई दुष्काल की वजह से, तो हम भी उधर भंडारा गोंदिया की तरफ के हमारे पूर्वज, हम भी नागपुर की तरफ हमारे पिताजी के पिताजी कुआ खोदने के लिए इधर आए थे, कुआ खोदना गाय चराना दूसरे के मालगुजारा की तरफ नौकर रहना ऐसे हमारा धंधा है। आज भी लेबर वर्क जंगलों में जाना, जंगल के फ्रूट्स इकट्ठा करना बेचना, मोह फूल बेचना, ये सब जी व्यवसाय चालू है। कैलाश जी, समय बहुत लंबा है, 27 वर्ष हो चुके हैं, और अब भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि न्याय नहीं मिला है, समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। क्या लगता है कि न्याय के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए और आपने दरवाजा सबसे पहले खटखटाया? मैंने जब केस डाली थी तो मेरी केस डिसमिस हो गई। हाँ। बाद में 2008 को हमारा दूसरा समाज का संगठन है, समाज में हम सातवीं काम करते, हमारे दूसरी संगठन के नाम पे हमने एक नागपुर हाईकोर्ट में केस दायर की थी, और वो केस का रिजल्ट 14 अगस्त 2018 को आया, और वो जजमेंट में आया कि गोवारी है आदिवासी, गोवारी आदिवासी है और इनकी अच्छा। कोई सहूलती कोई छीन नहीं सकता, उनको देना ही पड़ेगा ऐसी अच्छा। हाँ। ऐसा रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद 2018 के बाद हमने दूसरी 556 पिटीशन दायर की, और मेरी मिसेस उसमें पिटिशनर थी अच्छा। और सबसे पहले आदिवासी की कास्ट सर्टिफिकेट मेरे मिसेस को मिली अच्छा। और सब बाद में
वैलिडिटी यानी वैधता प्रमाण पत्र भी मिला जी। और जब बीजेपी शासन था उस टाइम, बीजेपी और युति शासन उस टाइम हमको वैलिडिटी मिलना नागपुर स्क्रूटिनी अपने अमरावती स्क्रूटिनी, हमारा समाज विदर्भ में ही है, ज़्यादा एरिया में नहीं है, तो वहाँ से हमको 400-500 लोगों को वैलिडिटी मिली। लेकिन दुर्भाग्यवश महाविकास आघाड़ी सरकार आई और महाविकास आघाड़ी सरकार ने शायद 25 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, ये गोवारी जमात और गोंडगोवारी जमात अलग अलग है, ऐसी पिटीशन दायर की। और वो पिटीशन की तारीख लगती गई, बाद में 18 दिसंबर 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह न्याय दिया कि गोवारी ये आदिवासी नहीं था, गोवारी ये आदिवासी नहीं। क्यों बोला उन्होंने, उनका भी स्टेटमेंट मेरे पास है, क्योंकि वो सेपरेट एंट्री ने गोवारी समाज की एंट्री गोंडगोवारी होने की वजह से उन्होंने ये बोला। लेकिन वो रिजल्ट में, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट मेरे हाथ में है, वो रिजल्ट में गोवारी को ही गोंडगोवारी कहा। अच्छा। जो गोवारी गोंड समाज के साथ एफिनिटी यानी आप्तभाव रखता है, रक्त संबंध रखता है और साथ में पहराव खाना पीना सब सरी का है, वो गोवारी गोंडगोवारी है। अच्छा। एफिनिटी के भरोसे। अच्छा। ऐसा वहाँ पे रिजल्ट में उसके पहले आया। जी, जी, जी। और ये आने के बाद एफिनिटी यानी हमारे जो संस्कृति है वो गोंड समाज जैसी है, हमारे जो देव है यहाँ पे रिजल्ट में जो देव धर्म दिए हमारे समाज के दिए, जैसे नागोबा हो गया, वागोबा हो गया, दुल्ला देव, बड़ा देव, ढाल, ये सब हमारी है जी। और वो सब रिपोर्ट को मालूम है, सरकार को मालूम है, यही गोवारी है, यही गोंडगोवारी है। लेकिन सेपरेट एंट्री नहीं होने की वजह से अनुसूचित जमाति का जो शेड्यूल है, अनुसूचित है, उसमें गोंडगोवारी करके आए। और मेरा सवाल ये है मैडम कि उस टाइम काका साहेब कालोरकर आयोग ने जो छुट्टी हुई जमात है उनकी एक कमेटी बनाई थी, काका साहेब कालोरकर आयोग गठित किया था, उसको मागास वर्ग आयोग कहे थे, उसने जो सिफारिश की भारत सरकार को, उसमें सिफारिश में गोवारी की सिफारिश की है, उसने मागास वर्ग आयोग ने गोवारी की सिफारिश की है। और गोवारी की सिफारिश रहने के बाद भी शेड्यूल में गोंडगोवारी आया, ये तो चूंकि शासन की है ना, केंद्र शासन की, और गोवारी की सूची रहने के बाद भी गोंडगोवारी आई, इसके वजह से सब गड़बड़ उनके वजह से हो गई। शासन की चूक है, शासन ने दुरुस्त करना चाहिए। और हर जितनी जात जमात छुट्टी थी उसके पहले कोई किसी के ऊपर गोंड नहीं लगाया, अगारिया है गोंड अगारिया नहीं, असुर है तो गोंड असुर नहीं, गोवारी के आगे गोंड लगाया जी। ये एक अन्यायकारक बात है और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और हमारा समाज बहुत ही आर्थिक दृष्टि से, एजुकेशन दृष्टि से और राजकीय दृष्टि से बहुत कमजोर है। और मेरा कहना है ये एक प्रकार का सामाजिक भ्रष्टाचार है। सामाजिक भ्रष्टाचार बोले तो ऐसा है कि जहाँ मत लगती है, जैसा आमगांव देवरी है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ हमारा समाज ऐड करके जनगणना उसमें हमारी ऐड करके राखीव मतदार संघ है, राड़ेगांव मतदार संघ उसमें हमारे बहुत से यानी 50% लोग हैं, वो भी हमारी जात जमात का वहाँ पे काउंटिंग करती, ST रिजर्वेशन दिया, ये सब रिजर्वेशन है, आर्मोरी रिजर्वेशन किया गढ़चिरौली का, वहाँ पे भी हमारी समाज बहुत ज़्यादा है। और मेरा विचार है कि तुम अपने डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन के लिए हमको आदिवासी दिखाते, गोंड के इसमें हमारा यानी बोलते लोकसंख्या ऐड ही ऐड किया है, ये इसमें भी है, रिजल्ट में भी है, इसलिए मैंने आपको रिजल्ट दिखाने के लिए लाया। क्या आप मानते हैं इसमें राजनीति और ये वोट मांगने के लिए ही समाज का उपयोग किया जाता है? ये तो पक्का है मैडम, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं एक भी आवाज़ नहीं उठाते और जिसने आवाज़ उठाए उनको बाहर निकाल देते। और आपसे एक मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जब हमने हाईकोर्ट से केस जीती है गोवारी की, उसी टाइम
महाराष्ट्र के सदन में, विधान परिषद में उस टाइम के आमदार हरिभाऊ राठौड़ ने विधान परिषद में क्वेश्चन उठाया की गोवारी ला आता तरी सवलती द्या, ते हायकोर्टातून जिंकलेले आहे. तो उसी टाइम के जो मिनिस्टर थे, रेवन्यू मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटील, उन्होंने बोला हाँ हम उनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे. और उसका सब मिनट्स तैयार हुआ तो भी महाविकास आघाड़ी के जो आदिवासी मिनिस्टर है केसी पाड़वी सुप्रीम कोर्ट में गए और एक अपने भाई समझ जाओ गुवारी भाई को ये सवलती से वंचित किया उन्होंने जी. तो भी हमारी लड़ाई जारी रहेंगी, हम और केसेस डालेंगे और एक दिन हमारा ऐसा आएगा कि हम अपनी सवलती लेके रहेंगे जी. ये सिलसिला चालू रहेगा. आपको लगता है कि गुवारी स्मारक जो बनाया है वो स्मारक देकर ही अब आवाज दबाई गई है समाज के लोगों की? वैसा ही लग रहा मैडम, स्मारक तो दिया हमको, एक उड़ान पुल को गुवारी आदिवासी गुवारी शहीद का नाम दिया जी. तब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री ने दिया जी. ये स्मारक युति शासन में मान्य गडकरी साहब के पुढ़ारकार से स्मारक बना जी. लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि हम हमेशा नागपुर कॉरपोरेशन महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी NM कलेक्टर या क्या बोलती वो तुम्हारा जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनसे हमेशा हम अपने एप्लीकेशन देते हैं कि यहाँ पे रिन्यूएशन करो, यहाँ पे स्वच्छता करो, यहाँ पे लाइटिंग करो, एक चौकीदार रखो, तो भी ये वो कोई भी काम करने को तैयार नहीं. आज नागपुर के हृदय स्थली पे यानी मेन सेंटर इंडिया का सेंटर रहने के बावजूद बहुत से लोग जीरो माइल देखने आते, तब हमारा स्मारक देखते तो उनको लगता है नागपुर का स्वच्छता अभियान कितना अच्छा है. वहाँ पे कचरा पड़ा है, कोई भिखारी खाना खाते तो वहाँ पे ऐसा झूठा खाना रहता, शाम के टाइम कोई अवैध व्यवहार चलते, कोई दारू पानी पीते तो उनके खाली बोतलें वहाँ पे रहती है. ऐसी दुर्दशा हमारे नागपुर में हमारे गुवारी स्मारक की है. ये तो मैं बार बार कहता हूँ, तो भी नागपुर कॉरपोरेशन हो गया, नागपुर कलेक्टर हो गया और तुम्हारा क्या बोलते हो कौन सा तो NIT, कोई किसी का ध्यान नहीं. कम से कम स्वच्छ नागपुर की इस अभियान में स्मारक को तो भी अच्छा करो किला जी. उस घटना के बाद एक दानी आयोग का गठन हुआ था, इसकी रिपोर्ट के बाद भी काफी निराशा हुई थी, ये क्या मामला? मैडम बात ऐसी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस. उनकी सरकार थी और सरकार उनकी रहने के वजह से दानी आयोग ने बताया कि एक हादसा था, हादसा बोले तो एक एक्सीडेंट था जी. क्या बोलेंगे उसको, वो शासन को कभी दोष नहीं देंगी ना जी. कोई भी अपने आप को बचाने के चक्कर में रहते और हमारे से हमारे समाज की तरफ से कोई आमदार नहीं, कोई खासदार नहीं. मैं आज 30 साल से गुवारी समाज का नेतृत्व करता हूँ, मेरा भी ये राजकीय लोग यूज लेते हैं, भैया प्रचार करो, ने आओ ये करो वो करो, और बाद में अपना काम हो गया कि नमस्कार भूल जाती है. इतना खतरनाक राजकारण महाराष्ट्र में है और नागपुर के विदर्भ में है कि आप लोगों के समझ में आए पॉलिटिक्स कैसा आएगा. ये पॉलिटिक्स के वजह से ही हमारे समाज का एक सामाजिक भ्रष्टाचार हुआ हमारे समाज के ऊपर. एक समाज को न्याय देंगे तो ये समाज आगे बढ़ेगा. ये समाज हमारे गया चरानी को रहना चाहिए, ये समाज हमारे क्या बोलते खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे इसलिए हमको वो दड़प रहे, यानी क्या बोलते उसको नीचे रखना चाहती है, ये उनकी ख्वाहिश है जी. 23 नवंबर 1994 और अब उस दिन से आज तक हर 23 नवंबर को वहाँ समाज इकट्ठा होता है और अब कहीं ना कहीं सरकार से मांगे वही हैं और वही ये की जाएगी कि अब हमारी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और नेताओं से? मैं 23 नवंबर के बाद मैंने हमारे संगठन ने 2005 को एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला, उसके बाद 2013 को मैंने मेरे नेतृत्व में निकाला, 2015 को मेरे नेतृत्व में बहुत बड़ा मोर्चा है 20,000 का जी. उसके बाद मैंने कई धरना आंदोलन जिला लेवल पे दिए, लेकिन शासन कोई ध्यान देता नहीं,
तो भी मैं शासन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये शासन ने ये समाज को न्याय देने के लिए ध्यान देना चाहिए। आज की घड़ी में ये सरकार को मेरी रिक्वेस्ट है कि 14 अगस्त 2018 से 18 दिसंबर 2020 तक हमको आदिवासी की सहूलतें वैलिडिटी मिलती थी। उसी टाइम हमारे बच्चों ने कोई पुलिस में नौकरी के लिए अप्लाई किया, हर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, तो उन लोगों को अभी यह गैर आदिवासी करके उनको इंटरव्यू को कॉल नहीं देने वाले हैं, यानी उसको रिजेक्ट करने वाले हैं। ऐसा मैंने एक पुलिस महासंचालक का लेटर भी देखा है। तो इसलिए सरकार से मेरी दरखास्त है, जैसा मराठा आरक्षण का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हुआ और उनको रिलैक्सेशन दिया ये सर नौकर भर्ती में, वैसा नौकर भर्ती में उस पीरियड में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जिन लोगों ने, जिन जिन बच्चे ने, स्टूडेंट ने हमारे समाज के जो भी स्टूडेंट है विविध यानी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, उनका प्रोटेक्शन जैसा का जैसा रखना चाहिए, मराठा आरक्षण जैसा, और हमारे बच्चों को भी न्याय देना चाहिए। आज पुलिस की भर्ती में हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत से 300 से 500-700 हर ज़िले से 300-400-500 ऐसे लोगों ने फॉर्म भरे, उनकी इंटरव्यू होना चाहिए, उनको जॉब मिलना चाहिए। ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, उनको अभी से डिनाइड करेंगे तो वो एक प्रकार के हमारे गढ़चिरौली ज़िले के बहुत से लोग हैं, क्या उनको नक्सलाइट में भर्ती होना अच्छा लगेंगे? ये सरकार तो ऐसे करती है। एक मराठा समाज को अलग न्याय और गोवारी समाज को अलग न्याय ये नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसे मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है। जी कैलाश जी, आपकी सारी बातें और आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस दर्शकों यही कहना चाहूँगी कि 23 नवंबर 1994 का वो दिन जहाँ 114 लोगों ने अपनी शहादत दी थी, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि 27 वर्ष हो चुके हैं, आज भी 23 नवंबर को समाज का हर एक इंसान स्मारक पर आकर उन्हीं मांगों को दोहराता है। मांगे जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन इस पर कोई भी न्याय अब तक नहीं मिल पाया है। सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी कि कहीं ना कहीं मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए और समाज को न्याय दिया जाए, क्योंकि समाज अब मांगे पूरी करना चाहता है। आज वीकेबी विशेष में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।